बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शॉमी का रेडमी 6 से लेने की सोच रहे हो और आपके दिमाग में चल रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि क्या ये फ़ोन ड्यूल वोल्टी को सपोर्ट करता है, क्या ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, क्या इस फ़ोन में नोटिफिकेशन LED है, इस फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है, ग्लास प्रोटेक्शन कौन सी है, आपको साथ में कोई केस या फिर स्क्रीन कार्ड मिलता है, अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं BCD Tech YouTube चैनल को। अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये फोन दो रिलायंस जियो की सिम को एट ए टाइम सपोर्ट करता है, मतलब कि क्या इस फोन के अंदर ड्यूअल 4G और ड्यूअल वोल्टी की सपोर्ट है, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो रिलायंस जियो की सिम को इसके अंदर डाल दिया है और अगर आप चेक करोगे तो दोनों सिम से सिग्नल आ चुके हैं। आइए सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर अगर आप सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में देखोगे तो देख सकते हो कि ड्यूअल 4G की जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुकी है और सिम 1 और सिम 2 दोनों पर वोल्टी इनेबल है। तो ये फ़ोन ड्यूअल वोल्टी और ड्यूअल 4G को सपोर्ट करता है, मतलब कि आप इस फ़ोन में दो रिलायंस जियो की सिम को एट ए टाइम चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फ़ोन की बैटरी कितने mAh की है, क्या ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, 0 से 100% चार्ज होने में बैटरी कितना समय लगाती है और एक बार बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो कितने दिन का बैकअप दे देती है। दोस्तों, इस फ़ोन में है 3000 mAh की बैटरी और जो साथ में चार्जर दिया है वो 10W का चार्जर है, तो ये फास्ट चार्जर नहीं है। आइए दोस्तों इस फ़ोन को किसी फास्ट चार्जर से चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस फ़ोन को चार्ज करने जा रहा हूँ क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 वाले चार्जर से। तो आइए कनेक्ट कर देते हैं। तो ये फ़ोन चार्जिंग में लेता है 5V 1.04 एम्पियर पर, मतलब कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन की बैटरी को चार्ज होने में लगते हैं अराउंड 2.5 घंटे और एक बार बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो आपको एक दिन का बैकअप दे देती है मीडियम यूजेज में। अगर आप इस फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हो, गेमिंग करते हो, तो मे बी आपको एक दिन में 2 बार बैटरी को चार्ज करना पड़ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि क्या इस फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन LED है। हाँ दोस्तों, आपको इस फ़ोन में यहाँ पर नोटिफिकेशन LED मिल जाएगी और ये वाइट कलर में जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फ़ोन का SAR कितना है। अगर मैं डायलर से चेक करूँ SAR तो डायलर बता रहा है SAR है 0.746 वाट पर KG और डिब्बे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर हेड पर है 0.746 वाट पर KG और बॉडी पर है 0.715 वाट पर KG जो कि मेज़र किया गया है 15 mm के डिस्टेंस से, तो SAR विद इन लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इस फ़ोन के अंदर जायरो सेंसर है, क्या ये फ़ोन वाईफाई के 5 GHz बैंड को सपोर्ट करता है, क्या इस फ़ोन के अंदर आपको IR सेंसर मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इस प्राइस सेगमेंट में आपको वाईफाई 5 GHz का बैंड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 2.4 GHz का। दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर कोई भी IR सेंसर नहीं है और जायरो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस फ़ोन के अंदर जायरो सेंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको मिल जाता है 5.45 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, रेजोल्यूशन है 720x1440, 18:9 की एक्सपेक्ट रेशो है और डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो आप किसी भी एंगल से डिस्प्ले को देख लीजिए, आपको डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया दिखेगा। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों आप आउटडोर में काफ़ी आराम से डिस्प्ले को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन में कौन सी ग्लास प्रोटेक्शन है। दोस्तों, इस फोन में कोई लोकल ग्लास है, आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। अब एग्जैक्टली कौन सा ग्लास है मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपको इस फोन के साथ कोई केस या फिर स्क्रीन गार्ड साथ में मिलता है। दोस्तों, ना ही इस फोन के साथ कोई स्क्रीन गार्ड आता है, ना ही दोस्तों आपको डिब्बे में कोई केस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन में कौन सा प्रोसेसर है। दोस्तों, इस फोन में है MediaTek का हीलियो A22 प्रोसेसर जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 2 GHz की, कॉर्टेक्स A53 आर्किटेक्चर पर यह चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, AnTuTu स्कोर क्या है, PUBG कैसे चलती है। दोस्तों, AnTuTu स्कोर की बात करें तो इस फोन को मिले हैं 61,000 और PUBG की बात करें तो दोस्तों इस फोन पर PUBG चल जाती है बट आपको कोई स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, मीडियम सेटिंग पर ये चलता है। आप यहाँ पर दोस्तों मीडियम सेटिंग में ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, अगर आपको हैंग लैग मिल रहा है तो आप FPS को थोड़ा सा कम करके गेम को स्मूथ बना सकते हो। तो यहाँ पर PUBG चल जाती है बट उतना कोई बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन में कौन सी रैम है, कौन सी रोम है। दोस्तों ये फोन आते हैं दो वेरिएंट में, 2GB रैम 16GB स्टोरेज और 3GB रैम और 32GB स्टोरेज। दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाती है LPDDR3 रैम और eMMC 5.0 स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन का कैमरा कैसा है, क्या ये 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, स्लो मोशन में कितने FPS तक ये मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका सेंसर दिखा देता हूँ। रियर साइड में है 13 MP का मेन सेंसर, f2.2 अपर्चर है। फ्रंट साइड में है 5 MP का सेंसर, अपर्चर है f2.2। कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो आप यहाँ पर कुछ सैंपल इमेजेस देख सकते हो जो कि मैंने इसके रियर कैमरे से खींची हैं। काफ़ी शार्प इमेजेस हैं, काफ़ी क्लियर हैं। लो लाइटिंग में आप देख सकते हो इमेज में कुछ नॉइस आ जा रही है, बाकी कैमरे की आउटपुट काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली कहा जाए दोस्तों जो यहाँ पर वो सेल्फी ले रहा है वो काफ़ी शार्प है, काफ़ी क्लियर है और आपको दोस्तों काफ़ी अच्छी आउटपुट मिल रही है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोस्तों आप नेटिव ऐप के थ्रू मैक्सिमम 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोस्तों इस फोन का जो प्रोसेसर है वो 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि अगर आप कोशिश करते हो 4K में रिकॉर्डिंग की तो दोस्तों आपको काफ़ी सारा लैग, काफ़ी सारा दोस्तों यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। बाकी स्लो मोशन की बात करें तो इस फोन का कैमरा मैक्सिमम 60 FPS पर HD रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये फोन OTG को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं एक पेन ड्राइव लगाकर देख लेता हूँ। तो ये फ़ोन OTG को सपोर्ट करता है, मतलब कि आप OTG अडेप्टर के थ्रू पेन ड्राइव को, फ्लैश ड्राइव को, माउस को, कीबोर्ड को और डाटा डोंगल्स को इस फोन के साथ अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन की डायमेंशन क्या है, वेट क्या है। दोस्तों इस फोन की लेंथ है 14.7 सेंटीमीटर, विड्थ है 7.1 सेंटीमीटर और थिकनेस है 8.3 mm, वेट है 145 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन में कौन सी बॉडी है, प्लास्टिक की या फिर मेटल की, और फोन का डिज़ाइन कैसा है, लुक कैसा है। दोस्तों अगर आप बैक साइड से देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेटलिक फिनिश मिल रहा है, पर दोस्तों ये एग्जैक्टली प्लास्टिक की बॉडी है, मतलब कि आपको बैक साइड में पूरा प्लास्टिक मिलेगा और आगे की साइड में है ग्लास। तो इस फोन में है प्लास्टिक की बॉडी। बाकी लुक और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, फ़ोन काफ़ी कंफर्टेबली हाथ में होल्ड हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है और कौन सी UI है। दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाती है MIUI 10 जो कि चल रही है एंड्रॉयड 8.1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इस फोन में डायरेक्ट वीडियो कॉल और कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप नेटिव डायलर को देखोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो कॉल की ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, और अगर आप कॉल को कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, मतलब कि डायरेक्ट वीडियो कॉल तो नहीं है बट आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन की आवाज़ कैसी है, कितनी लाउड है, कितनी क्लियर है। आइए दोस्तों एक बार YouTube से प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आवाज़ काफ़ी क्लियर है, लाउड है, पर दोस्तों आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन का फेस अनलॉक फीचर कैसा है, आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन को देखोगे तो ये मेरे फेस को देख के तुरंत अनलॉक हो जा रहा है, तो फेस अनलॉक फीचर काफ़ी फास्ट है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इस फोन में नॉइस कैंसिलेशन माइक है। हाँ दोस्तों इस फोन में है नॉइस कैंसिलेशन माइक, मतलब कि आप कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइस को सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फोन का टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस फोन पर पबजी खेल के देख लिया है आधे घंटे की गेमिंग के बाद। ऑल्दो जो गेम प्ले है वो स्मूथ नहीं है, बट फिर भी इस फोन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा है, स्पेशली कहा जाए इस एरिया से जहाँ पर प्रोसेसर मैक्सिमम हीट फेंक रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 50°C तक राइज कर जा रहा है, बिल्कुल सेम इतना ही टेम्परेचर पीछे यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और साथ में दोस्तों जहाँ पर बैकलाइट LEDs हैं वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा है, तो ये फ़ोन टेम्परेचर प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये फ़ोन लेने लायक है, अगर लेने लायक है तो कौन सा वेरिएंट ले, अगर नहीं लेने लायक है तो किस फ़ोन को चूज़ करें। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आप 5,999 rupees में 2GB रैम और 16GB स्टोरेज वाला Redmi 6A लेते हो तो ये डेफिनेटली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। बाकी अगर आप 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला लेते हो जिसकी प्राइसिंग है 6,999 rupees, मतलब कि 7,000 रुपये, तो वो दोस्तों प्राइस वाइज बढ़िया फ़ोन नहीं है। आप उस प्राइस सेगमेंट में और भी बढ़िया फ़ोन देख सकते हो, बट 5,999 rupees में ये 2GB रैम वाला और 16GB स्टोरेज वाला बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो।
बाकी दोस्तों अगर आपको Xiaomi पसंद नहीं है तो आप Asus का Zenfone Lite L1 को भी ले सकते हो। ये भी दोस्तों काफी बढ़िया फोन है। बाकी इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा, इस पर दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले जो बेल आइकन आपको मिल रहा है तो उसको भी टैप करके जाना, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल बाकी है जो कि आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप अब डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको ये फोन लेना है कि नहीं लेना है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि दोस्तों और लोग भी अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएं और डिसाइड कर पाएं कि उनको ये फोन लेना है कि नहीं लेना है। तो मैं आपसे अब विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।